आरती किचन हेल्दी एंड इजी रेसिपीज में आपका स्वागत है। जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं और हम लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वैसे ही आज मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आई हूँ जो है वाटरमेलन लेवेंडर। तरबूज सबके घर में ही आता है और बच्चे खाते खाते परेशान हो जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए एक ड्रिंक बनाई जाए। तो ये रहा वाटरमेलन, जिसको मैंने पहले से ही पीसेस कट कर लिए हैं, उसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पुदीने की, नींबू, और ये मैंने पिसी हुई शुगर यहाँ पे ली है। अगर आपके पास लेमन स्क्वैश है तो आप पिसी हुई शुगर ना लीजिए, लेमन स्क्वैश थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मेरा मिक्सिंग जार है और उसमें मैं अपने जो वाटरमेलन है, तरबूज है, उसके पीसेस को डाल रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा पुदीना डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है पुदीना, थोड़ा सा ही डालना है बस फ्लेवर के लिए, और आधे नींबू को इसमें मैं निचोड़ दूँगी, जिससे कि ना वाटरमेलन थोड़ा सा इसमें खट्टे बनकर टेस्ट आ जाएगा। तो आधे से एक नींबू को मैं इसमें स्पीस कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पे पिसी हुई शुगर ले रही हूँ। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्क्वैश भी यूज़ कर सकते हो, बट स्क्वैश थोड़ी मीठी ज़्यादा होती है, तो मैं स्क्वैश यूज़ नहीं कर रही हूँ और इसको मैं पीस लूँगी। और ये हमारा वाटरमेलन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये लेमन के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं, तो अब मैं इसके अंदर लेमन डालती हूँ। थोड़ी सी पुदीने के पत्ते, वाटरमेलन के पीसेस, आइस। यहाँ मैं सोडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन फ्लेवर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सोडा यूज़ कर रही हूँ। और ये आ गया हमारा वाटरमेलन। चम्मच से थोड़ा हिला दूंगी, स्ट्रॉ कर दूंगी इसको। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लेमेंडा हमारी बनके रेडी है। आपने देखा कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 मिनट इसको प्रिपरेशन में लगे होंगे। और आप इसको सर्व कर सकते हो पार्टी के टाइम में, कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिए, और बच्चे भी वाटरमेलन खाते खाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन रियली बिलीव करो कि जब आप बच्चों को ये बनाओगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, और बस कहते हुए कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनके लिए थम अप्स कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्यारी दोस्त आरती फिर से आपको एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।